हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका माधवीज किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम चटाकेदार मजेदार रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ ये हरे लहसुन का ठेचा। ये चटनी अगर आप एक बार खा लेंगे तो फिर आप उसका स्वाद सालों तक नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये और बनाने में काफी आसान है। 5 मिनट के अंदर ये बन जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे चावल, दाल, खिचड़ी, पराठे, पूरी किसी चीज के साथ भी खाइए, खाने का स्वाद दुगना कर देगा। इतना टेस्टी ये लगता है कि सारे अचार इसके सामने फीके हैं। तो दोस्तों, एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिए। अगर भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए झटपट स्टार्ट करते हैं बनाना लहसुन का ठेचा। हरे लहसुन का ठेचा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह के हरे वाले लहसुन लिए हैं। मैंने यहाँ मैंने करीब 300 ग्राम हरे लहसुन लिए हैं। ये जाड़े के दिन में आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो इसे हम सबसे पहले अच्छे से वॉश करके और इस तरह से कट कर लेंगे। इनकी जड़ों को मैंने अलग कर लिया है। इसे मैंने इस तरह से धोकर अच्छी तरह से रख लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, कोई भी सा भी तेल ले सकते हैं आप, यहाँ पर सरसों का भी तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। मैं यहाँ तीखी वाली 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो। हरी मिर्च को हम लंबाई में कट करके डालेंगे, नहीं तो ये हरी मिर्च तेल में जाते ही इसमें तेल छिटकने लगता है। इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है चटनी का। कुछ सेकेंड फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी मूंगफली के दाने। ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं, इसमें हम डाल देंगे और इसे हम 2 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि मूंगफली थोड़ा रोस्ट हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हम धीमी आंच पर चलाते हुए इन चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, 2 मिनट फ्राई करने के बाद ये देखिए मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए हरे लहसुन। ये देखिए, सारे लहसुन मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसे हम चला लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम और धीमी आंच पर हम इन्हें 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए, काफ़ी सुंदर कलर लग रहा है, एकदम ब्राइट ग्रीन कलर, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट इस तरह से धीमी आंच पर पका लिया है मैंने इसे। ये लहसुन थोड़ा सा गल गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो मैंने यहाँ पर डाला है 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 3 टेबलस्पून मतलब 3 बड़ा स्पून हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर। ये इस चटनी में अच्छा सा खट्टा सा स्वाद देता है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं। आप इसमें 1 बड़े नींबू के बराबर इमली इसमें यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए धीमी आँच पर पकाएंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से पक जाएँ। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें मिर्च की मात्रा घटा बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सारे मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है। तो बस ये रेडी हो गया हमारा, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर जार लिया है और सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर जार में डालकर इसे हम ग्राइंड करेंगे। ये चटनी तो ट्रेडिशनली बनाया जाता है सिलबट्टे पर कूट करके। मैं ये बना रही हूँ मिक्सर ग्राइंडर में, तो हम इस तरह से बनाएंगे। मिक्सचर को पूरा ब्लेंडर जार में डाल दिया। इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है चटनी में और उसका कलर भी बढ़िया सा बना रहता है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम रुक रुक कर ग्राइंड करेंगे, लगातार नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है। हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे ग्राइंड किया है, एकदम दरदरा। हम इसे इस तरह से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे ग्राइंड करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक हम डालेंगे इसमें। 2 बड़े चम्मच नमक मैं यहाँ डाल रही हूँ और इसे हम फिर से एक बार कुछ सेकेंड्स के लिए ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। इसे हमें लगातार नहीं चलाना है ब्लेंडर को, रुक रुक कर चलाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी चटनी है वो इस तरह की दरदरी बनेगी, बिल्कुल
फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है। तो ये देखिए हमारा हरे लहसुन का ठेचा बिल्कुल रेडी है। इसे हम किसी कंटेनर में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये बिल्कुल पेस्ट नहीं बना है, ये मैंने दरदरा इस तरह से ग्राइंड किया है इसे। तो बिल्कुल रेडी है हमारा लहसुन का ठेचा। देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा तीखा चटपटा चटाकेदार एकदम बढ़िया सा लहसुन का ठेचा रेडी है। रोटी पराठे राइस पूरी किसी चीज़ के साथ भी आप खाइए, ये उसके स्वाद को दुगना कर देगा। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। चटनी को आप बनाकर फ्रिज में एक वीक के लिए रख सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं, ये एक वीक तक ख़राब नहीं होता है। और यकीन मानिए ये इतना टेस्टी लगता है कि आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे, आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके पूरे परिवार को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक नए तरह की रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।